हेलो
हेलो, नमस्कार सभी को। हम अपना वेबिनार बस 5 ही मिनट में शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी जुड़े हुए रहें। प्रधान सर प्रणाम। नमस्कार विकास, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। अरे इट्स माय प्लेजर। थैंक यू एवरीवन।
वेरी गुड आफ्टरनून. मैं एक बार चेक करना चाहूंगी, आप में से कोई मुझे बता देगा कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस, एम आई ऑडिबल सर? यस, ऑडिबल. वेरी गुड आफ्टरनून. शासकीय महाविद्यालय सैलाना के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आशा राजपुरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. मंच से मैं उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का अभिवादन करती हूँ जिन्होंने हमको ये अवसर दिया इस वेबिनार को आयोजित कराने का. हमारे देश में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है और 34 वर्षों के पश्चात शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं. आज उसी विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्देश्य क्रियान्वयन और चुनौतियों पर परिचर्चा करने के लिए हम सभी इस आभासी मंच के माध्यम से और प्रत्यक्ष माध्यम से एकत्रित हुए हैं. मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ. नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, युवाओं का समावेशी और समान गुणवत्ता वाला विकास करना. नवीन शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल देती है और उसी भारतीय ज्ञान संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आदरणीय प्राचार्य सर और महाविद्यालय के समस्त वरिष्ठ प्राध्यापकों से निवेदन करती हूँ कि सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें. और आप सभी से निवेदन करूंगी कि तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से सभी अभिनंदन करें. आदरणीय प्राचार्य सर दीप प्रज्वलित करते हुए और रक्षा मंडल से निवेदन करूंगी कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें. क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती रक्षा यादव मैडम. हे शारदी माँ, अज्ञानता से हमें तारी मारा. हे शारदी, अज्ञानता से हम
जैन सर आप अनम्यूट हैं जी।
आज के शासकीय महाविद्यालय सेलाना एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार जिसका विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्देश्य क्रियान्वयन एवं चुनौतियां है। इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम मुख्य संरक्षक महोदय माननीय श्री कर्मवीर शर्मा साहब आयुक्त महोदय का, संरक्षक डॉक्टर रैचल अनिजवाल अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग का और नोडल कॉलेज के हमारे ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर वाई के मिश्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी प्रेरणा और सहयोग से हम यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रामकृष्ण प्रधान साहब, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर, द्वितीय विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर दाघी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष गांधीयन एवं पीस स्टडीज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार एवं अन्य वक्ता प्रोफेसर विकास कुमार सौथारती एवं जनरल सेक्रेटरी का संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं इस वेबिनार में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वेबिनार, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उद्देश्य क्रियान्वयन एवं चुनौतियों से संबंधित है। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा समय के अनुसार परिवर्तित होती रही है, लेकिन पिछले 34 सालों से चलती आई एक ही उच्च शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित अनेक परिवर्तनों और सुधारों को सुझाया गया है। यह आज हमको विस्तृत रूप में इसके क्रियान्वयन और चुनौतियों के रूप में आज के वेबिनार में ज्ञानवर्धन में साबित होगा। हमारे वेबिनार में बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने विभिन्न एस्पेक्ट में क्रियान्वयन में कठिनाइयां और क्रियान्वयन के उद्देश्य पर विस्तृत अपने पेपर भी प्रस्तुत किए की ओर स्वागत करता हूँ डॉक्टर मनोहर जैन का, मैं डॉक्टर आर पी पाटीदार, स्वागत करता हूँ डॉक्टर सौरभ लाल सर का, और मैं स्वागत करता हूँ कार्यक्रम और से यह वेबिनार सब हो रहे मैं आशा राज का हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूं। मैडम आशा पुरोहित के प्रयासों से ही जितने भी प्राप्त हम संपूर्ण महाविद्यालय परिवार थैंक यू। आदरणीय वाई के संपूर्ण महाविद्यालय परिवार डॉक्टर भाई के मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप बहुत व्यस्तता के बीच हमारे लिए 2 मिनट निकाले, इसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं
शुक्ला सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आज आ रहे नोडल कॉलेज के हमारे प्राचार्य आदरणीय वाई के मिश्रा सर। भाई जी मिश्रा सर हमारे मध्य में कुछ ही क्षण में जुड़ रहे हैं, कृपया इंतजार मिश्रा सर जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आदरणीय डॉक्टर सौरभ लाल सर से निवेदन करूँ कि हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राम प्रधान और विकास सर हमारे मध्य जुड़े हैं, उनका हमको परिचय करवाएं। हमारे नोडल कॉलेज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, डॉक्टर मोहन जैन से आमंत्रित करती हूँ परिवार के विषय आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, आप मुझे बोल रहे हो क्या? आज के मुख्य हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डॉक्टर जैन साहब आप हेलो हेलो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है सर।
ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वित हुई और इस क्रियान्वयन के पीछे इसमें सबसे मुख्य बातें दो हैं। एक तो है वोकेशनल सर्विस, वोकेशनल कोर्स जोड़ा गया, यह पहले शिक्षा नीति में बिल्कुल नहीं था। यह वोकेशनल कोर्स जोड़ने के पीछे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना है और वह है कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो, उनको कोई रोजगार से जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त हो और ऐसा ज्ञान प्राप्त हो कि वो डिग्री के साथ रोजगार भी प्राप्त करें, स्वरोजगार प्राप्त करें। तो कौशल ज्ञान को प्रदान, हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल नंबर और प्रतिशत नहीं बढ़ाना है, इसके अलावा उनको एक कौशल विकास देना है, उनको एक व्यवहारिक ज्ञान देना है ताकि वो जब अंतिम वर्ष में डिग्री प्राप्त करें केवल एक कागज का ऊर्जा नहीं हो बल्कि उनके पास एक हुनर भी हो, बल्कि उनके पास में एक ऐसा कौशल भी हो कि वह अपना स्वयं का रोजगार करके एक नया विकास, एक आर्थिक विकास इस देश में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ सके। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सरकार के द्वारा इस शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। अब सवाल आता है इसमें कई सारी चुनौतियां आ रही है। ये पिछले 3 सालों से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती जो लैब चाहिए वह नहीं है, जो पुस्तकें चाहिए वह नहीं है और ना ही इस वोकेशनल से संबंधित उन विद्यार्थियों को बाजार में और कहना चाहिए ऑफिसों में कोई सहयोग करने वाला है। कई सारे कहना चाहिए पोर्टल पर वोकेशनल के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन विद्यार्थियों को इंटरनेट की प्रॉब्लम होने के कारण वो उससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये चुनौतियां हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है कि वो वोकेशनल कोर्स को पूरा करें और वोकेशनल कोर्स के बाद, क्योंकि जो परिवर्तन है वो मुख्य रूप से वोकेशनल पर है और वोकेशनल के संसाधन की कमी के कारण विद्यार्थी वर्तमान समय में उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के अनुसार नया सिलेबस बनाया गया है तो ऐसी बुक्स अभी तक बाजार में नहीं आई है। वो राइटर के रूप में जो किताबें उस शिक्षा नीति को फॉलो करने वाली होनी चाहिए वह हमारे पास अभी नहीं है। और इसके अलावा जो कहना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट बुक्स के अलावा एक और नंबर सिस्टम जाके मार्कशीट मिलती है, वो मार्कशीट आजकल वर्तमान समय में परसेंटेज नहीं बताती है बल्कि वह आपका क्रेडिट बताती है। तो विद्यार्थियों को मार्कशीट से समझना और क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट अब हमने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है लेकिन क्रेडिट बैंक, क्रेडिट एक्सचेंज, क्रेडिट का अर्न कैसे करना है, क्रेडिट बाहर से कैसे लाना है, अगर आपने बाहर प्रवर्तन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति की जो व्यवहारिकता है, जो कौशल विकास है, जो व्यक्तित्व का विकास है, वह बच्चों को प्रोजेक्ट के बारे में, क्रेडिट सिस्टम के बारे में प्रारंभिक दिनों में क्लास लेकर के उसकी समझाएं और उसके बाद वो करें तो निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नया परिवर्तन और जीआर जो सरकार का उद्देश्य है वो जीआर बढ़ाने में हमारे लिए कामयाब होगी। तो इन विभिन्न विषयों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे विषय हैं छोटे बड़े, उन सभी को समेटते हुए मेरे वेबिनार के साथी इसको स्वीकार करेंगे और अलग अलग बिंदुओं पर बोल करके इस पर डिस्कस करेंगे ताकि इन चुनौतियों से समय रहते हुए हम सामना कर सके और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल हो सके। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ राष्ट्रीय महाविद्यालय तेलंगाना के प्राचार्य और उनके समस्त स्टाफ को कि उन्होंने राष्ट्रीय वेबिनार रख करके जो सरकार का उद्देश्य है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, उसी श्रृंखला में ये वेबिनार है और हम इससे सफल होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वेबिनार के आयोजक प्राचार्य को, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
मैं डॉक्टर के मिश्रा जो हमारे जिले के देखो उसके यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता बैठने के लिए। हेलो 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 मेरी आवाज आ रही है? हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आज के इस वेबिनार के आयोजक शासकीय महाविद्यालय सैलाना के प्राचार्य और उनके कन्वेनर और उनके स्टाफ के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो आज ये वेबिनार राष्ट्रीय स्तर का आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही इस वेबिनार में जो हमारे एमिनेंट प्राध्यापक हैं जो अपने बहुमूल्य सुझाव से विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे उनको भी मैं शुभकामना स्वागत करता हूं जो हमारे रतलाम जिले में वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आप सभी एमिनेंट प्राध्यापकों का विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय मुख्य रूप से जो आपने चयन किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका क्रियान्वयन, ये एक महती और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में निश्चित रूप से हमें विचार विमर्श करना चाहिए और इसका सार्थक जो समरी हो सारांश हो उसको हमें शासन को अवगत कराना चाहिए। अभी कोई वक्ता ऐसा बता रहे थे, चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था, कटकट की आवाज आ रही थी, उसमें उनके द्वारा ये बताया गया जो महाविद्यालय शायद खोल दिए गए, संसाधन नहीं है, पुस्तकें नहीं है, ये व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, लेकिन इसको हम चुनौती कहेगा तब बाजार में आएगी। शिक्षा विभाग की, उच्च शिक्षा विभाग की जो नीति है उस नीति के साथ हमें सहयोग करना होगा। किताबें धीरे धीरे आ रही हैं, हाँ विद्यार्थियों तक जरूर वो किताबें पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे शिक्षकों की महती जिम्मेदारी है जो हम विद्यार्थियों को अध्ययन मटेरियल उपलब्ध करावे, उसके लिए बहुत सारे संसाधन हैं हमारे। शायद कुछ तकनीकी कारण आ रहे हैं जिससे सर की वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है। उसमें भी संसाधनों का जिक्र किया गया है और इसका प्रचार प्रसार हमें विद्यार्थियों तक करना होगा। सबसे अनुरोध है जो हम निगेटिव पॉइंट तो हमारे को मालूम है, हम जानते हैं निगेटिव क्या है, उसमें कमियां क्या है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है सभी लोग अब परिचित हो गए होंगे या परिचित हैं, हर प्रदेशों में भी लागू होने का धीरे धीरे प्रयास चल रहा है। एक बहु विकल्पी सोच है। अभी तक ये जो हम कल्पना करते थे जो विद्यार्थी केवल साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, बॉटनी पढ़ेगा, जूलॉजी पढ़ेगा आदि आदि, उन सबसे पढ़े जो हमारे चिंतक थे, चिंतक ने इसको ऐसा दूर किया जो हम विद्यार्थी को केवल एक विषय का ज्ञान न दें, हम विषय विद्यार्थी को इस रूप में परिमार्जित करें जिससे उनका बेहतर भविष्य हो सके, वो किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वो अनिवार्य रूप से उनका जो है भविष्य सुनहरा हो। अतः मेरा आप सबसे केवल अनुरोध है जो आप नए शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके साथ लागू की गई योजना को हम सब मिलकर पूरा सहयोग करें और इसको सफल संचालित करें। इसका फ्यूचर हम कैसा होगा, क्या होगा, निश्चित रूप से
यह हमारे लिए अभी शैशव अवस्था में है, ये हमारा तीसरा साल होने जा रहा है। तीसरे साल के बाद हम एक डिग्री लेकर विद्यार्थी निकलेंगे और डिग्री लेने के बाद वो किस रूप में हमारे बाजार में आते हैं, हमने उनको किस रूप में ढाला है, तब जाकर हम इसको बात कर पाएंगे जो हमारे लिए कितना सार्थक हुआ और उसके अनुरूप ही हम इसमें आवश्यक सुधार कर पाएंगे। तो मैं आप सबको इस वेबिनार की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जिस वेबिनार के जो विचार मंथन है, समुद्र मंथन जो आप लोग करेंगे, उससे कुछ न कुछ सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सैलाना महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जैन, मनोहर जैन और सौरभ लाल जी, अन्य सभी स्टाफ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत ही प्रेरक क्रियान्वयन हेतु हमें उद्बोधन दिया और आपने अपने व्यस्त समय में हमको जो 5 मिनट दिए उसके लिए सैलाना महाविद्यालय सदैव सदैव आपका आभारी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। मैं वाई के मिश्रा सर का मंच से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं डॉक्टर सौरभ लाल सर से निवेदन करूंगी कि वे आए और हमारे आभासी मंच से जुड़े विद्वत जनों डॉक्टर रामकृष्ण प्रधान सर, डॉक्टर जुगल किशोर दादी सर और श्री विकास कुमार से, विकास कुमार के परिचय से हमको डॉक्टर सौरभ लाल सर करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी शासकीय महाविद्यालय सैलाना। Thank you, Asha ma'am. Good afternoon, everyone. It's my privilege to introduce to you all our today's keynote speakers. I can actually see and observe how impatiently and eagerly you all are waiting to listen, comprehend, and assimilate what our galaxy of intellectuals are here to talk about. I can sense your excitement bone to bone. And why would you not be excited given the Trimurti of knowledge, eloquence, and quintessential embodiment of wisdom and humility are connected with us? Truly, we are humbled to have such dignitaries present amidst us today. Now, without further delay, I would like to introduce to you our first honorable speaker, Dr. Ramkrishna Pradhan, who is connected with us, and he is our first keynote speaker. He is presently serving with the School of Social Science, Department of Political Science, Guru Ghasidas Kendriya Vishwavidyalaya Bilaspur, Chhattisgarh. As far as his educational qualifications are concerned, he did his MA, MPhil and PhD. But when yesterday I received his bio data, truly, it's amazing to see the work which he has done for research. His special area of interest are international relations, foreign policy, geopolitics, energy security, Central Asia, world affairs, and research methodology. As far as his research papers are concerned, his 11 research papers have been published with Scopus indexed journal. His 8 research papers are published in the UGC CARE listed journals. His 41 peer-reviewed referent journal, in it his 41 papers have had been published, and 5 books he has written with ISBN number, in which he is the sole author. 7 books he has edited, and chapters in edited books are 21. 2 books reviewed and 11 editorial in newspapers are published.
14 invited lectures are also there. And as far as this conferences and seminars are concerned, he has attended and presented paper in 28 conferences and seminars. He had been visiting professors. He is internationally renowned keynote speaker. He had been to Department of Regional Studies, Faculty of International Relations, L.N. Gumilyov National University, Astana, Kazakhstan. He had been there from 1st of September till 1st of October. As far as his academic visits outside India is concerned, he had been to Kazakhstan in the month of February in 2018. And he had been to Kyrgyzstan also. There he has attended a conference on Central Asia security. There are many clots we want to throw a light upon. Self-learning material he has prepared not less than 8 in numbers as an organizer for conference. One conference in India and the World Order, mapping 5th February to 7th February 2015 at the Department of Social Science, Fakir Mohan University, Balasore, is sponsored by ICSSR, ICWA, and ICCR. The regional concern and 14th February 2020 at the Department of Social Science, Fakir Mohan University, Balasore, which was also sponsored by ICSSR and ICWA. The third conference, which he has organized jointly, was on Digital India, a new initiative for development organized by the Department of Social Science, Fakir Mohan University, Balasore, Odisha, and that was held on 6 August 2022. As far as research guidance is concerned, three of us students have been awarded with the research degree. He has guided 17 students of MPhil, and postgraduate dissertation has been guided by him to 61 students. Huge influence. He has been external examiner for PhD thesis and for MPhil thesis. See, if I had to mention about all the research work which he has accomplished, it will take 2 Welcome all the three of you from the bottom of my heart. Our second keynote speaker is Professor Jugal Kishore Dadich, who is associate professor and associated with the School of Social Science, Gandhian and Peace Studies. He too has number of papers which serves as an accolade. They are really stalwarts. They have plethora of knowledge. And to throw some light on the research work which he has accomplished, it's not less than, see what I can sense. In conferences, he has presented 16 papers. He had been invited for a talk not less than 20 times. And then he has participated and presented papers in seminars and symposiums and workshops and conferences. They are not less than 80 papers
So such a stalwarts there are with us today. So I will ask everybody to join their hands in applause to give them due respect. And then the third speaker who is with us is Mr. Vikas Kumar, who is a research scholar and associated with the Department of Political Science and Human Rights, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. He is General Secretary, Indian Research Scholars Association. As far as his education is concerned, he has done his schooling and intermediate from Fatehpur, and then he has done his graduation and post-graduation from Jhansi and Sagar. Honors and awards too he has got. He is gold medalist as far as his post-graduation is concerned. He has been conferred with the NATO GRF, which he has cleared. He has also participated in zonal debate, and he was the champion in that debate in 2019. He has also received the Best Anchor Award in 2018. As far as publications are concerned, there are 22 publications, research papers, and UGC CARE listed, in which his research papers are published. There are 6 in number, and pre-reviewed journal, 5 in number. He has also written a few of the chapters in books, and those are 6 in numbers. Book reviews, 5. Articles in newspapers, 120 articles. Seminars and conferences and all the other things, not less than a dozen of numbers. So once again, on behalf of Government College Salalah, I would like to welcome all of the 3 respected keynote speakers and dignitaries. I think that definitely when they will going to associate themselves with the topic, the knowledge they will, which they will going to impart, they, that knowledge will going to serve as a guiding light for each one of us. Thank you, Asha ma'am, for giving me time to introduce our keynote speakers. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. अब मैं, समय की हमारे पास सीमा है, अब मैं हमारे पहले मुख्य वक्ता डॉक्टर रामकृष्ण प्रधान सर को बड़े सम्मान और आदर के साथ अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ. डॉक्टर रामकृष्ण प्रधान सर, सर वेरी वार्म वेलकम अगेन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. प्रधान सर, आपको ऑडिबल? कैन यू हियर मी? Sir, your voice is clear, sir. Thank you, Vikas. Thank you a lot. I'm sharing the PPT. Okay. So, just a minute. Can you see the PPT, Vikas? No, sir. Now it's not visible, sir. No? No, sir. Now visible, sir. Yes, sir. Yes, it's visible. Okay. Yes, sir. Visible, sir. Okay, Savita, good afternoon, everyone. And thank you, Vidyalaya Ratlam from Madhya Pradesh, for the invitation. Particularly thankful to Dr. Asha Raj Purohit ji for inviting me to share my views on this public platform. And I must also thank, you know, Vikas, one of my close associate, a young and dynamic scholar from IGNTU Amarkantak. I'm also thankful to all the organizers, those who have organized this seminar on a very relevant topic, National Education Policy 2020. I also welcome all the co-panelists, and I believe we will have a very good interaction in the due course of time. So let's today's lecture on PKs, National Education Policy, which I will speak on. Although I have said the PPT, I will go extempore. The PPT is for the information of all the stakeholders concerned. So my Hindi is not as good as others, so I will be speaking both in Hindi and English. So kindly bear with me. Yeah, as you all know,
we may debate, discuss a lot on national education policy, but we must know what is this national education policy and why do we need it. My dear friend, every civilization, if you see small and big, old or new, has its own culture. दुनिया में ऐसा कोई सभ्यता है ही नहीं जिसका संस्कृति है नहीं. क्यों? क्योंकि जो संस्कृति है वो सारे सभ्यता के धरोहर है, पहचान है. और बिना पहचान की किसी का आइडेंटिटी दुनिया में हो भी नहीं सकता है. आई मीन टू से कल्चर इज द आइडेंटिटी ऑफ एवरी नेशन, एवरी स्टेट एंड एवरी सिविलाइजेशन. ए नेशन और स्टेट विदाउट ए कल्चर हैज नो स्टैंडिंग इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री. एंड इम्पोर्टेंटली, education has been the carrier vehicle of such culture, and therein language is the flag bearer of such education system. Agar sanskriti sabhyata ka dharahar hai to us dharahar ka jo bahak hai wo shiksha vyavastha hai, aur shiksha vyavastha ko jo aage le jata hai, jo promote karta hai, wo bhasha hai. If you see, my dear friend, every great civilization in the world has its own language and as its own education system. जितना भी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोपियन सभ्यताएं हो या एशियाई सभ्यताएं हो, अफ्रीकाई सभ्यता हो, सबका अपने अपने संस्कृति है, सबके अपने अपने भाषाएं हैं. बिना भाषा बिना संस्कृति के कोई सभ्यता है ही नहीं. बट वेरी अनफॉर्चुनेटली माई डियर फ्रेंड, इफ यू सी द केस ऑफ इंडिया, नेदर वी हैव आवर ओन एजुकेशन सिस्टम Not the education we impart is based on our languages. ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी you know, ancient प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भारत का ना अपना एक शिक्षा व्यवस्था है, ना वो शिक्षा व्यवस्था अपने लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है. तो एंड यू नो इफ यू लुक एट आवर यू नो एजुकेशन सिस्टम, our education system is western imposed english medium education in spite of having world's ancient language called sanskrit, governed by the very famous and antique culture called the indic culture, which is sanatan dharma bolte, isn't it? You know, that is the reason probably why, as my last speaker, the previous speaker has told, ki jo shiksha vyavastha hai wo ek samagra vikas ka vyavastha hona chahiye, एक स्किल डेवलपमेंट का व्यवस्था होना चाहिए. लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था जो हम लोग के सामने है वो एक ऐसे व्यवस्था है जो नो डाउट डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट टीचर सब लोगों को तो प्रोड्यूस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मनुष्य को बनाने में वो अक्षम रहा है. वी हैव प्रोड्यूस लॉट मेनी डॉक्टर्स इंजीनियर्स टीचर्स, बट वी फेल टू प्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स. बोलने का मतलब ये है, जब कोई भी शिक्षा व्यवस्था आपके संस्कृति से अलग हो जाता है, आपकी धरोहर से अलग हो जाता है, वो जो प्रोड्यूस करता है वो आपके वैल्यू से अलग हो जाता है, आपकी व्यवस्था से अलग हो जाता है, और वो एक वस्तुवादी इंसान प्रोड्यूस कर देता है. जो हम आजकल की दुनिया में देख रहे, डॉक्टर तो है लेकिन रोगी मर रहे, इंजीनियर तो है लेकिन सारे ब्रिज कोलैप्स कर रहे हैं, जब होल्ड रहता है लेकिन सारे के सारे करप्ट है. समाज में जो व्याधि आ गया है, करप्शन का हो या माल प्रैक्टिसेस का हो, अनएथिकल एक्टिविटीज का हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो शिक्षा व्यवस्था के गड़बड़ी की वजह से हुआ है. इसलिए हमें एक नया शिक्षा व्यवस्था की जरूरत पड़ी. अगर समाज को एक स्वस्थ समाज बनाना है, एक संगठित समाज बनाना है, अगर इफ यू वॉन्ट टू हैव एन हेल्दी एंड ऑर्डरली सोसाइटी, द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज have a very good formidable education system. That is the reason the wise men of India, they thought to come up with a new education policy which will suit our interest. You ask me how? Look, my dear friend, in India we have so many languages, but unfortunately one foreign language has been imposed upon us and we were told to learn on that. That foreign language is English. अभी आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, जो भाषा हमारा नहीं है उस भाषा में हम क्यों सिर्फ शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा ग्रहण करें? जो आइडिया ऑफ इंडिया है माय डियर फ्रेंड, वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, जिसको मतलब जो दूसरे लोग है, दूसरे देश के लोग है, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते. जब मैं अपने छात्रों को बोलता हूँ
मैं उनको बोलता हूँ हमारा देश जो है वो एक आइडिया यूनियन है। मैं बच्चों को बोल आप ओनियन में क्या देखते हो, उसको खाए हो तो आप उसमें क्या पाते हो, लेयर्स पाते हो, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, लेयर्स आफ्टर लेयर्स। भारतीय समाज भी वैसा ही है, भारतीय राष्ट्र भी वैसा ही है, लेयर्ड लेयर्ड एंड लेयर। उसका एक लेयर धर्म हो सकता है, दूसरा लेयर जाति हो सकता है, तीसरा लेयर भाषा हो सकता है, चौथा लेयर जो है आपका रीजन हो सकता है, बाकी का लेयर जो है वो आपका फूड हैबिट हो सकता है, अनदर लेयर आपका ड्रेस हैबिट ड्रेस पैटर्न हो सकता है, अनदर लेयर आपका जो कल्चर हो सकता है। एवरी से इफ यू गो बाय यू नो लेयर्स एंड लेयर्स यू विल फाइंड ए कंट्री लाइक इंडिया इज सो डाइवर्स नॉट बी इमेजिन बाय एन आउटसाइडर। इतने सारे विविधता होने के बावजूद इंग्लिश में करना पड़ता, जो इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन व्यवस्था हुआ वो एक वेस्टर्न व्यवस्था रहा, जो वेस्टर्न व्यवस्था में सिस्टम को बना दिया गया, जबकि हमारा व्यवस्था अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारा रिक्वायरमेंट अलग है। तो क्या हुआ, ये एजुकेशन सिस्टम आने वाले दिनों में फेल कर गया और हम लोग इतना अनएम्प्लॉयड पैदा कर दिए और बाद में हम सरकार को गाली दे रहे, सिस्टम को गाली दे रहे, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। आप अगर नॉलेज इकोनॉमी को देखें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नॉलेज इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो स्किल्ड इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जो आत्मनिर्भर बन सके, जो स्वावलंबी बन सके, वैसे एजुकेशन सिस्टम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी है। आप मान लीजिए एक बच्चा को आप पॉलिटिकल साइंस में एमए बनाओगे, उसके बाद आप उसको बोलोगे कि आप जॉब करो, वो बच्चा भी बोल रहा है गवर्नमेंट मुझे जॉब दे। पॉलिटिकल साइंस में आप एमए करने के बाद वो एक लिमिटेड ऑप्शन रह जाता है आपके पास जॉब करने का। अगर आपके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जो अभी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान है कि कोई भी बच्चा जो है वो स्किल एनहांसमेंट कोर्स करेगा, वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स करेगा जेंडर के लिए, जिसमें आपका वोकेशनल कोर्सेस रहेगा, माइनर कोर्स में आपका 12 क्रेडिट जो है वोकेशनल रहेगा ग्रेजुएशन लेवल में आउट ऑफ 160 क्रेडिट्स। तो जब ये सारे प्रावधान है वो क्या करेगा, आप एमए एजुकेशन में करो, एमए उड़िया में करो, एमए इंग्लिश में करो, हिंदी में करो या पॉलिटिकल साइंस में करो, एट द एंड ऑफ द डे आप जब निकलोगे आप आत्मनिर्भर होके निकलोगे, आप स्वावलंबी हो जाओगे आपके एजुकेशन के बाद। इसलिए ये जो एजुकेशन व्यवस्था की जरूरत पड़ी एनईपी 2020 के, अभी जो मेरा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें मैं जाऊंगा, जिसमें हमने होलिस्टिक एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोला है। इफ यू लुक माय यू नो द होलिस्टिक एजुकेशन यू नो इफ यू एंटायरली अंडरस्टैंड इज एन यूनिक ऑल्टरनेटिव एंड कंप्रेहेंसिव अप्रोच टू बोथ टीचिंग एंड लर्निंग व्हिच सीक्स टू मेक एजुकेशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ एड्रेसिंग द फिजिकल इमोशनल सोशल cultural, ethical, moral and academic needs of the student in an integrated learning format meant for all-round development and compassionate personality development remains the thrust of the holistic education system. Further, my dear friend, its emphasis on fostering mental well-being and encouraging critical thinking and skill of problem solving makes it undoubtedly a unique and innovative education system in the entire world. Seeking to engage body, mind and the soul, the philosophy of holistic education is based on the premises that each person finds identity, meaning and purpose in life through connections to their local community, to the natural world and to the humanitarian values such as compassion and peace. Thus, it aims at an intrinsic reverence for life and a passionate love for learning and to inculcate basic human values in teaching and learning, my dear friend. And the education system we had so far with your efforts became materialistic instead of natural. And then, if we go further, although the holistic education in recent year has gained prominence, but its roots, my dear friend, are quite old and ancient. Our education system
is in fact a treasure. If you look at it, a reflection of history gives us vivid impression of the holistic education in ancient Indian culture, isn't it? And educational tradition. As we all know, India is a country with oldest civilization, having rich culture and affluent traditions, built by great rishis, saints, and acharyas of our ages. Ancient Indian education has been known as an advanced knowledge society. In fact, the education system built on Indian vision aimed at holistic development of individuals and their body, mind, intellect, and soul, जिसको हम बोलते हैं शरीर मन बुद्धि और आत्मा का विकास, isn't it? And जो वैदांतिक फिलोसफी है जिसमें हम सारे कोषों को पढ़ते, पांच कोषों को पढ़ते, then education will be integrated with those five courses, isn't it? The education that will inculcate all round development within the individual will make or will enable to make India a Vishwa Guru. The concept of Guru Shishya Parampara, my dear friend, is is well written in the Indian ethos. If you go to the concept of Niti ke antargat nihit hai. शिक्षा को रोजगार परक बनाना समय की मांग थी, क्योंकि आज हम आत्मनिर्भर भारत में जी रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे विचार है, जो हमारे संस्कार है, सा विद्या या विमुक्ते अपदीपो भव, सा विद्या या समाचरते, जैसी आगे बढ़ेगा। वास्तव में देखा जाए हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक ऐसी नीति बनी है जो संस्कृति की समाई है, और संस्कृति विशेष को समझना हो तो उससे भाषा से बढ़िया कोई साधन, उपकरण या पद्धति नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस ग्लोबलाइजेशन और पूंजीवादी दुनिया के अंतर्गत बाजार संस्कृति का बोलबाला हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो भाषाएं हैं वो संकट ग्रस्त हो गई है। भाषाओं को हम लोग अगर देखें पिछले 50 वर्षों के अंतर्गत, तो आप लोग देखेंगे कि भाषाओं का जो है हमेशा ही डिक्लाइन होता जा रहा है, पतन होता जा रहा है। और 50 वर्षों में करीब करीब मैं आपको बता दूं 220 भाषाएं विलुप्त हो गई है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। भारत के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची को अगर आप लोग देखें तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वरूप को हम सजोकर भारतीय परंपरा को आत्मसात करने का पुनित कार्य किया गया है। इस नीति में भविष्य के एक ऐसे भारत की कल्पना की गई है जो आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत और वैश्विक ज्ञान क्रांति के अग्रदूत की भूमिका के रूप में कार्य कर सके। ये बात सत्य है मित्रों कि आर्थिक और सामाजिक रूप से आज हम एससी एसटी पिछड़ा वर्ग या अपाहिज, या आपको मैं कहूं दूसरी तरफ से महिलाएं, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, क्रमश से एक प्राथमिक और मिडिल स्कूल तक की पहुंच पाते हैं। लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबके को, आदिवासी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर तरह से उनको सुविधाएं मुहैया करा करके शिक्षा पर बल दिया गया है, ताकि समाज में प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्राप्त हो सके। मित्रों, वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश की प्रगति और विकास की दिशा के अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ जो है सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक विकास के ऊपर बल देती है। मित्रों, जो शिक्षा नीति को हम लोग ने पढ़ा है, ड्राफ्टिंग को देखा है और इतना समय लगा है, इसके पीछे जो मूल हमारा उद्देश्य था, अनेक भारतीय विचारकों का, रिसर्च स्कॉलरों का जो मंथन हुआ है, उसमें मूल उद्देश्य यह था कि प्राचीन ज्ञान को नवीन पीढ़ी को हस्तांतरित कैसे करें हम लोग, इसका मेन फोकस था। नवीन ज्ञान का सर्जन, वे पुराना ज्ञान को
समय अनुकूल कैसे बनाएं और नवीन पीढ़ी को जीवन की चुनौतियों, श्रेष्ठ आचरणों वे राष्ट्र उन्नति का विकास कैसे करें। हमारी शिक्षा और संस्कृति महान रही है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गए तो ठीक नहीं हो रहे थे, स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया उनका। तो कहा नालंदा के अंतर्गत एक गुरु हैं और उनको बुलाया जाए, वो सब जो है आयुर्वेद के जानकार हैं उनसे ठीक हो जाएंगे। नालंदा से पंडित जी शास्त्री जी गए और उनको कहा कि आप कुरान की रोज एक आयत पढ़िए। उन्होंने कहा ये तो बहुत हल्का काम है, ये क्या काम है। बख्तियार खिलजी ने पढ़ना शुरू किया, वो ठीक हो गए। उनको लगा अरे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत इतनी शक्ति है कि एक गुरु ने आकर के मुझे ये कहा जो बिना नीम हकीम दवाई दिए हुए मैं ठीक हो गया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ही जला दिया। तो ये शक्ति है हमारे ज्ञान परंपरा के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल अध्ययन अध्यापन के बिंदुओं में समाहित नहीं किया है, बल्कि शिक्षा शिक्षक पद्धति की त्रयी पर ध्यान केंद्रित कर ये शोध अनुसंधान और अनुवाद की संरचना पर बल देती है। वास्तव में इसी का परिणाम है कि आप लोग आज देखते हो कि जैव विज्ञान के कारण, अनुसंधान के कारण हम चंद्रमा के 3 मिशन पर पहुंच गए हैं। ये क्या है? ये शिक्षा है, संस्कृति है, ज्ञान है, परंपरा है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ज्ञान परंपरा को महत्व देती है, चरित्र परंपरा को महत्व देती है और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करती है, नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करती है, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम संचालित करती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें कि वास्तव में हमें एक संपूर्ण भारत वर्ष के अंतर्गत श्रेष्ठ आर्य बनना है और श्रेष्ठ आर्य बनने के लिए हमें भारत वर्ष में ही नहीं ज्ञान के लिए पूरे दुनिया के अंतर्गत उसको पुनर्जीवित करना है, उस पूरे विश्व के अंतर्गत जगत गुरु बनना है। यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए आभार व्यक्त करता हूँ और आशा को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे इस कड़ी में आपने जोड़ने का प्रयास किया। मैं रास्ते में होते भी आशा का आग्रह टाल नहीं सकता। बहुत प्यारी छात्रा थी, बहुत ब्रिलियंट थी, मैं उसको आशीष देता हूँ। महाविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसे ही नवाचार करते रहे, हमें जोड़ते रहे, आपका विकास होता रहे, देश का विकास होता रहे। जय हिंद सर। सर आपका संपूर्ण महाविद्यालय परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है। मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य एससी जैन आपका हार्दिक अभिनंदन करता, हार्दिक आभार व्यक्त करता। सर उद्बोधन बहुत प्रेरणादायक था, इसके लिए थैंक्स। आपने समय निकाला और हमको सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। थैंक यू। हाँ सर, आपने रास्ते में होते हुए भी हमको अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरीके से नवीन शिक्षा नीति में समावेशित किया गया है, इस पे बहुत ही प्रेरणादायक और गहन चिंतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे तीसरे वक्ता श्री विकास कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए आभासी मंच पर और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री विकास कुमार इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं और बहुत ही एक्टिव आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आपके बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं। श्री विकास कुमार जी। जी मैम, मेरी पीपीटी विजिबल हो रही है मैम? एक मिनट सर, थोड़ा सा पीपीटी सर अभी तो नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, अभी आपकी स्क्रीन हमको दिखाई दे रही है। ओके।
हाँ सर, आपकी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा अपनी वॉइस को और तेज करें तो हम सभी को भी इसको सुन सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू प्रोफेसर आशा राज पुरोहित मैडम who has organized this wonderful lecture in very contemporary and relevant topic. And I would like to thanks and congratulate to principal of this degree college, Professor S.D. Jain, who has created the good leadership. I would like to thanks to eminent speaker who has given your wonderful presentation to relate the many contemporary issues and relevant topic that is not relevant only for the research professors, teachers, but that all are also relevant for the common people and that people who are interested to knowing the education and so all things. So today I will deliver my lecture, The Activism of Civil Society and Implementation of National Education Policy in Higher Education. So first of all, if organizer will be give me instructions how many minutes I will take, so that's a very 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 good for me, madam. कितने मिनट मेरे लिए हैं? No, sir. You can take 20 minutes, sir. You have 20 minutes and take your time. No issue. Okay, okay, madam. Okay. So first of all, and sir, your screen is not visible to us. Your PPT is not visible. Okay, madam. One minute. सर, आपके वक्तव्य से पहले एक उद्घोषणा करनी चाहती हूँ कि 2:15 से हमारा टेक्निकल सेशन चालू हो जाएगा, तो सभी प्रतिभागी जिनको पेपर प्रेजेंट करना है वो 2:15 पे सभी जुड़े रहे। आपका 2:15 से टेक्निकल सेशन चालू होगा जिसमें आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर वाचन के लिए सर के उद्बोधन के बाद, तो आप सभी कृपया जुड़े रहे। मैडम, अभी विजिबल है पीपीटी? यस सर, अभी विजिबल। So now I will present my talk on this point. So first I will discuss about what is new education policy. The second is objective of new education policy, and next is why there is need for the national education policy, and these all major objectives to create the culture of the research and culture of the study and to create the ecology of the study and ecology of the research. So ये दो मुख्य बिंदु होते हैं किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के, कि वह अपने संस्थान के अंतर्गत एक शोध की संस्कृति विकसित करे और एक पढ़ाई का, अध्ययन और अध्यापन का संस्कृति विकसित करे और एक परिस्थितिकी विकसित करें जिससे कि द स्टूडेंट हैज बी ओरिएंटेड टू द स्टडी एंड रिसर्च, कि विद्यार्थी अपने आप शोध की ओर और अध्ययन की ओर उन्मुख होने लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन 29th of July 2020 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट हैज पास्ड द रेजोल्यूशंस ऑफ द एनईपी 2020, and in this regard when we have read the entire draft of the NEP 2020, so it claims that it is not a circular. ऐसे ही केवल उन्होंने इनवाइट नहीं किया, जो सोशल वर्कर हैं, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स को भी उन्होंने इनवाइट किया इस ड्राफ्ट मेकिंग में, और बाद में जब इसको पब्लिकली सर्कुलेट किया गया तब एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक
विशेष रिक्वेस्ट था कि सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर्स हैं, क्रिएटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इस शिक्षा नीति के विषय में अपने सुझाव दें और उसके पीछे के कौन से ऐसे इनहेरेंट प्रोसेस हैं, कौन से ऐसे इनहेरेंट सजेशंस हैं जो सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया और सिविल सोसाइटी के अंतर्गत शिक्षा नीति जो है हायर एजुकेशन में किस प्रकार इंप्लीमेंट हो सकती है व्याख्यान में है और थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, तो मैं अपने मूल विषय पर आने से पहले आखिर उस हमारी शिक्षा नीति में नए ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो हमको जान लेने चाहिए। हालांकि प्रीवियस के जो दो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने व्याख्यान में उन समस्त बिंदुओं को संकलित किया है, परंतु फिर भी उनको उनके संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संचालित की गई है उसके पॉइंट नंबर 7 और जो अदर पॉइंट्स हैं उनके भी मोटो और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना इस शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य में निहित है और इन्हीं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इस शिक्षा नीति में के विषय में आगे बात करते समय मैं एक प्रकरण और एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 156 अधिकरण मित्रों लिखे हैं और यदि हमें प्राचीन ज्ञान व्यवस्था, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था, प्राचीन एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एंशिएंट कल्चरल सिस्टम, विलेजेस सिस्टम, यदि इन सभी व्यवस्थाओं को देखना हो तो उस समय का कौटिल्य का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हम सबके मध्य उपलब्ध है। परंतु कौटिल्य ने एक भी अध्याय, एक भी परिच्छेद शिक्षा के बारे में अपने उस संपूर्ण अर्थशास्त्र में नहीं लिखा है। तो क्या यह कौटिल्य की चूक है? क्या इतने बड़े आचार्य से इतनी छोटी सी गलती की हम उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो शिक्षा है वह शिक्षा राज्य पोषित ना होकर के समाज पोषित होनी चाहिए और शिक्षा में राज्य का कंट्रोल ना होकर, नियंत्रण ना होकर के समाज का नियंत्रण होना चाहिए। यही कारण रहा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक भी अध्याय, एक भी परिच्छेद शिक्षा के बारे में नहीं लिखा। दूसरा, जब हम बौद्ध परंपरा में देखते हैं तो बौद्ध परंपरा में नागार्जुन का एक लेख, सुहृद लेख नामक का एक लेख हम लोगों को मिलता है और उसमें वह अपने नरेश को एक पत्र लिखता है
और उस पत्र में यह कहता है कि आप अपने राज्य में, आप अपने स्टेट में शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए कार्य करें। तो बौद्ध परंपरा में जब हम देखते हैं तो शिक्षा समाज पोषित ना होकर शिक्षा राज्य पोषित है, और जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 है वह भी राज्य समाज पोषित ना होकर के राज्य पोषित शिक्षा है। तो इस प्रकार से इस शिक्षा नीति में जो भी सिविल सोसाइटी के इम्प्लीमेंटेशन और डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड्स के जो इनहेरेंट प्रोसेस हैं उनको हम इस पे देखेंगे। इसके पहले आखिर हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा, जो शिक्षा नीति 1986 की थी जिसका अमेंडमेंट 92 में हुआ, वह शिक्षा नीति हमारी कार्य कर रही थी। तो आखिर क्या कारण रहे कि हमें नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करना पड़ा, क्रिएशन करना पड़ा, और उसके लागू करने के लिए इतने अथक प्रयास करना पड़ा। क्योंकि प्रत्येक देश में हम देखते हैं 10 to 20 years, 10 से 15 साल में वह अपनी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था का नया मसौदा भी तैयार करते हैं, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देख लीजिए। और जो वर्तमान व्यवस्था जो भारत में चल रही थी, वह 1980 शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, वह 1986 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके अंतर्गत हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रगति कर रही थी। और इस समय जो वैश्विक व्यवस्था है वह तेजी से परिवर्तित हो रही है, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी तकनीकी जो है इंक्रीज कर रही है, कम्युनिकेशन के नए नए स्किल आ रहे हैं, रिसर्च के नए नए मॉड्यूल आ रहे हैं, दुनिया बड़ी तेजी से प्रगति कर रही है। और ऐसे में जब हम अपनी शिक्षा नीति में पाते हैं कि हम उसी ट्रेडिशनल वे से टीचिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से लर्निंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से विद्यार्थियों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट के नए रूट खोल रहे हैं, तो ऐसे में एक नई शिक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास किया और नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट हम सबके समक्ष उन्होंने रखा। दूसरा कारण इसका यह था कि जो विश्व है वो पहले, जब हम इंडिपेंडेंस के पहले देखते थे, वो जो वर्ल्ड होता था, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में देख ले, चाहे टेक्निकल के, कम्युनिकेशन के, किसी भी क्षेत्र में देख ले, वो इतना डायनेमिक नहीं था। और वर्तमान जो वर्ल्ड है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वह अत्यंत डायनेमिक है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, डायनेमिक भी है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी है। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व होना जरूरी है, जो कि उन प्रॉब्लम्स को तत्कालीन सॉल्यूशंस दे सकें। और यह सभी जिम्मेदारी किसी भी राष्ट्र के एजुकेशनिस्ट पर होती है, इंटेलेक्चुअल पर होती है, रिसर्चर पर होती है और स्टूडेंट पर होती है। इसका एक अगला कारण है कि विद्यार्थियों को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार करना और उस डिजास्टर मैनेजमेंट के उन होल ऑब्जेक्टिव्स को अपने हायर एजुकेशन में ही इंप्लीमेंट कर देना, ताकि आने वाली जो त्वरित समस्याएं हैं, यदि हमारे विद्यार्थियों को, यदि हम जैसे विद्यार्थियों को कहीं फेस करना पड़े तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसके लिए एक क्रिएटिव थिंकिंग रखें, एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग रखें। इसलिए इस शिक्षा नीति का आना बहुत ही आवश्यक था और एक नया इम्प्लीमेंटेशन जरूरी था। इस शिक्षा नीति में जैसे पिछले वक्ताओं ने कहा कि बेस्ट ओरिएंटेड थी हमारी एजुकेशन, तो इसको इंडियन ओरिएंटेड यानी भारतीय मूल्य और भारतीय परंपराओं से बांध करके इस शिक्षा नीति को साइंटिफिक पैरामीटर डेवलप करके और भारतीय जो
नॉलेज सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे जोड़ करके और विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना, इस शिक्षा नीति में, पिछले शिक्षा नीति में ऐसे मसौदे नहीं थे, ऐसे रूल्स नहीं थे, ऐसे क्रिएटिंग थिंकिंग नहीं थी, आइडियाज नहीं थे, तो इसलिए इस शिक्षा नीति का, नई शिक्षा नीति का आना आवश्यक था। दूसरा, इन प्रेजेंट टाइम में सॉफ्ट स्किल का जो पूरे वर्ल्ड में डिमांड हो रही है, सॉफ्ट स्किल की, वो सॉफ्ट स्किल डेवलप करना, यदि हम बीए से, यदि हम ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कुछ स्टूडेंट्स को स्किल दे देते हैं, तो जैसा कि प्रधान जी ने कहा था, कि प्रधान जी ने अपने लेक्चर में कहा कि यदि हम पहले से कोई एमए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट को कोई स्किल सिखा देते हैं, तो वह जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आएगा, पब्लिक में आएगा, मार्केट में आएगा, वर्ल्ड में आएगा, दूसरे कंट्री में जाएगा, तब उसके पास एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, रोजगार की समस्या नहीं होगी, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही अत्यंत व्यापक समस्या है। और यह सभी जो मैंने आयाम आपके समक्ष रखे, तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन अवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। और जब हम प्राचीन अपनी शिक्षा व्यवस्था की पद्धति को देखते हैं, तो उसमें पाते हैं कि एक विद्यार्थी है, वह धनुष विद्या भी सीख रहा है, वह वेदों का अध्ययन भी कर रहा है, वह तलवार भी सीख रहा है, वह घुड़सवारी भी सीख रहा है, वह जो एडमिनिस्ट्रेटिव के न्यू ट्रिक्स और टेक्निक भी सीख रहा है। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में इन 2020 तक हमने विद्यार्थियों को एक सिलेबस और एक परिधि में बांध करके रख दिया था, तो यह शिक्षा नीति इंस्टीट्यूट होगा उन पे बहुविषयक विश्वविद्यालय और बहुविषयक जो महाविद्यालय हैं उनको डेवलप किया जाएगा, और उनके अंतर्गत यह कोशिश की जाएगी कि उनको क्लस्टर रूप से एक दूसरे से ऐड किया जाए जिन पर संसाधनों का अभाव है। दूसरा, इस पे यह भी प्रयास किया गया है इस शिक्षा नीति के में, हायर एजुकेशन के प्रोविजंस में, कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को दो तरह से विकसित किया जाएगा, एक जो अनुसंधान रिसर्च ओरिएंटेड होंगे और दूसरे जो टीचिंग ओरिएंटेड होंगे। तो ये दो जो मुख्य प्रावधान है इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट प्रावधान जो हायर एजुकेशन के लिए किया गया है वह यह है कि व्यवसायिक शिक्षा सहित जो वर्तमान समय में 26.3% का जो आंकड़ा है हमारा, उसको 2035 तक 50% किया जाएगा, और उसके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट, पर्याप्त टीचर्स रिक्रूटमेंट, इन सभी की जो पद्धति है उसको संपन्न किया जाएगा, ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अगला जो इस पे है कि जो जो सभी हमारे हायर एजुकेशन की जो एजेंसीज हैं, जो अलग अलग मानक तय करती थी, जैसे UGC हो गई, AICT हो गई, और अन्य अन्य टेक्निकल के क्षेत्र पे जो भी डिफरेंट टाइप्स के एजेंसीज हैं, उन सभी को मर्ज करके एक उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पूरे उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियमन और नियंत्रण किया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुसंधान को डेवलप करने के लिए, रिसर्च को प्रोग्रेस करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिससे कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिसर्च का कल्चर डेवलप हो सके। तो इस प्रकार से हायर एजुकेशन में यह सभी मुख्य प्रावधान जब हम देखते हैं, तो दीज ऑल आर दी मेजर प्रोविजंस ऑफ द हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग इन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। और इसी के अंतर्गत एक यह भी प्रावधान, मुख्य प्रावधान जो किया गया है, वह यह प्रावधान भी किया गया है कि हायर एजुकेशन में ही जो इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है,
इंटरडिसिप्लिनरी जो मेथड है, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड को डेवलप किया जाएगा इसी शिक्षा नीति के, इस पे टीचर्स एजुकेशन जो है उसके अलग प्रावधान किए गए हैं, इनके अलग मानक तैयार किए गए हैं, और इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो 4 वर्षीय कोर्स होगा, जो ग्रेजुएशन और जो बीएड का, उसको 4 वर्षीय किया जाएगा। साथ ही एमए और एमएड को इसमें मर्ज करने की बात की गई है, जो 1 साल में होगा, और उसी के अंतर्गत एक ग्रेजुएशन लेवल से ही विद्यार्थी को रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाएगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग ओरिएंटेड बनाया जाएगा, जिससे कि वह आगे यदि शोध कार्य संपन्न करना चाहता है तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को उसको फेस ना करना पड़े। अगला इसमें रीजनल एजुकेशन, जिसको हम ट्रिलिंगुअल लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत रखते हैं, त्रिभाषीय फार्मूला को विकसित करने की इस ड्राफ्ट में बात की गई है, जिसके अंतर्गत 2 भाषाएं और 1 रीजनल लैंग्वेज, इस पे 1 क्षेत्रीय जो भाषा होगी या मदर टंग होगी, उसमें भी विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे और शोधार्थी जो है वह शोध कर सकेंगे। ऐसे सभी प्रावधान इस शिक्षा नीति में निहित हैं और समुचित हैं। अगला जो इस पे प्रोफेशनल एजुकेशन के अंतर्गत कई सारे पैमाने डेवलप किए गए हैं, और उन कई पैमानों को इस पे संकलित किया गया है कि जो भारतीय शिक्षा है वह एक किताबी ज्ञान ना हो करके एक प्रोफेशनल ओरिएंटेड बन सके, जिससे कि जब विद्यार्थी और शोधार्थी मार्केट में आए, दुनिया में आए, तो वह अपने लिए सॉफ्ट स्किल से स्वयं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, जनरेट कर सके। तो यह सभी ऐसे प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में हमें मिलते हैं। सो देयर आर मैनी अदर प्रोविजंस इंक्लूडिंग दी हायर एजुकेशन, तो बहुत सारे हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका जो है कि हम लोग जब देखते हैं कि आखिरकार इस पे जब सिविल सोसाइटी का क्या ही रोल है, आखिर सिविल सोसाइटी को मैंने इस पे क्यों इंक्लूड किया है, और पिछले मैं 5 वर्षों से सिविल सोसाइटी पे ही वर्क कर रहा हूँ, सिविल सोसाइटी के ही अंतर्गत शोध कर रहा हूँ और उसी के अंतर्गत पढ़ लिख रहा हूँ, तो आखिर सिविल सोसाइटी को यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत क्यों पड़ी। डिजिटल इंडिया हो चाहे मेकिंग इंडिया हो, गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी के जितने भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको क्यों सभी अपने मसौदे पर तैयार कर रही है, उसके जानने से पहले हमें सिविल सोसाइटी के कुछ मुख्य प्रावधानों को यदि जान ले तो वह आवश्यक होगा। तो सिविल सोसाइटी जो होता है वो बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटेबल एसोसिएशन कह लें या ऑर्गेनाइजेशन कह लें, या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि अपने किसी भी लाभ को ना सोच करके और कॉमन पीपल के इंटरेस्ट पे वर्क करता है। ऐसे सभी एसोसिएशन या ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, यूनियन को हम लोग सिविल सोसाइटी के कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिविल सोसाइटी के पार्ट्स हैं जिसपे हम रखते हैं, एनजीओज हो गए, आईएनजीओज हो गए, और इसके बाद नॉन परसेशन हो गए, वुमेन्स एसोसिएशन हो गए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इसके बाद में तो ये सभी के सभी जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये एजुकेशन में कैसे काम करते हैं, एजुकेशन के लिए कैसे वर्क करते हैं, और वह एनईपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह सभी के बिंदुओं को इस स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सिविल सोसाइटी के एसोसिएशन हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, यह दूरस्थ शिक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, वह हम देखते हैं कि सिटी में हुआ या मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ या अत्यंत ही बड़े शहर में हुआ, परंतु जो रिमोट एरियाज हैं, जो विलेजेज एरियाज हैं, उन पर हायर एजुकेशन का कल्चर अभी तक भारत में नहीं क्रिएट हो सका। और जब हम आंकड़े भी, डेटा भी देखें और अन्य चीजें भी देखें, तो किसी भी विश्वविद्यालय का या एनआईटीज है, एमआईटीज है या आईआईटीज है, इनका जब क्रिएशन होता है, बनाई जाती है, तो यह सभी जो शिक्षा के केंद्र हैं या शहर में या फिर बड़े एक सिटी में लोकेट किए जाते हैं,
तो इसलिए सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वर्क करते हैं सर, रिमोट एरियाज में काम करते हैं। यस मैडम। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा और थोड़ा सा टाइम। हाँ यस मैडम, बस जस्ट आई एम कंक्लूडिंग माय लेक्चर। सो ये जो भी सिविल सोसाइटी के एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रिमोट एरियाज में वर्क करते हैं, ट्राइबल एरियाज में वर्क करते हैं, और वहां पे जा करके उनके वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए सिविल सोसाइटी का इस पे हायर एजुकेशन में और यह एनईपी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वी कैन से एज ए क्रूशियल इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनईपी 2020 इन द हायर एजुकेशन। सो इसके पहले मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देर आर सम चैलेंजेज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके कुछ चैलेंजेज हैं, उसके चैलेंजेज बहुत सा हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में। दूसरा यह है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल उतना नहीं हो पाया है एनईपी के अकॉर्डिंग। तीसरा यह है कि इसके लिए अभी टीचर्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं, टीचर्स तैयार नहीं हो पाए हैं, जिससे कि एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन तेजी से हो सके। कोविड पीरियड में इसका ये रेजुलेशन पास हुआ, उसके बाद में टीचर के लिए प्रॉपर हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो यह इसके लैक ऑफ सफिशियंट रिसोर्सेस, वोकेशनल सब्जेक्ट को, जैसे कि प्रीवियस वक्ता ने कहा जो विषय प्रवेश की व्याख्यान दे रहे थे, कि वोकेशनल एजुकेशन को लागू कर दिया गया। अब उस वोकेशनल एजुकेशन को जो है जा करके फील्ड में उसका प्रैक्टिकल कराना है। सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये और ही डिफिकल्ट है कि उसके लिए हमें प्रॉपर जो हमारे पास जो रिसोर्सेस होने चाहिए, जैसे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में लैंग्वेज के लिए हम कोई वोकेशनल लगाते हैं और उस लैंग्वेज का हम कोई एक प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं, तो वहां तक हमें जाने के लिए पर्याप्त रिसोर्स होने चाहिए। वह रिसोर्स अभी हम सबके समक्ष गवर्नमेंट अवेलेबल नहीं करा पाई है, पर धीरे धीरे वह होगा और हो रहा है। तो यह वोकेशनल के लिए एक पर्याप्त जो है संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। यह भी एक बड़ा चैलेंजेज है एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में। अगला चैलेंजेज है जो मैंने बताया, लैक ऑफ सफिशियंट रिसोर्सेस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से इस समय हमारे समस्त जो हायर एजुकेशन है उनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं है, और इसलिए वह प्रॉपर रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यदि मुझे समय होता तो मैं वह डेटा दिखाता है आपको कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वह मित्रों अपने एनईपी का 6% से लेकर के जीडीपी का 6% से लेकर के 8% तक अपने एजुकेशन और रिसर्च पर वो स्पेंड करते हैं। 6% से लेकर के 8% तक वह अपने, और कोई कोई तो 10 और 12% भी अपने एजुकेशन में वह स्पेंड करते हैं, रिसर्च और एजुकेशन में। हमारे यहाँ का अभी तक जो सबसे अधिक डाटा है वह मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में गया था 2012 और 13 में, वह लगभग 3.5 या 4%, इतना ही लगभग जीडीपी का हम लोग स्पेंड कर पाए। अभी जो प्रीवियस डेटा हम देखें, अभी जो प्रीवियस जो बजट था उस पे भी मुश्किल से 2.23% की जो जीडीपी के स्पेंड की बात है वो एजुकेशन में की गई। तो इसके लिए कम से कम यदि इसका इंप्लीमेंट करना है, वो मैंने पूरे डाटा इस पे संकलित किए थे, तो कम से कम 6 से 8%, और भारत में जैसे कि मैंने बताया 2030 तक 50% हायर एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन करना है, तो यदि इसका इंप्लीमेंट करना है और 30 तक इसके सभी मानक को तैयार करना है और उनको अडॉप्ट करना है, तो कम से कम 7 से 8% जीडीपी का 10 ईयर या 5 ईयर्स हम लोगों को स्पेंड करना होगा, तभी इस एनईपी का इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा। सो ये देयर आर दी मैनी चैलेंजेज ऑफ टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनईपी। सो आई होप दैट कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है,
हम लोग भी वर्क कर रहे हैं और हम जैसे आप जैसे सभी इंटेलेक्चुअल भी इस पर वर्क कर रहे हैं. सो जस्ट बिकॉज टाइम इज नॉट अलाउड टू मच एंड मोर स्पीकिंग सो हेयर आई विल बी कंक्लूड माई लेक्चर. अगेन आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू प्रोफेसर आसाम मैडम एंड टू हर इंटायर टीम टू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस wonderful session and I am also congratulate to entire faculty members of the Ratlam degree college and that participant who has joined in the Google Meet. So thank you so much. Thank you. Thank you sir. Thank you Vikas sir. आपने नवीन शिक्षा नीति को हमारे सामने बहुत ही सरलीकृत रूप से अपनी पीपीटी के माध्यम से रखा और इस तरीके से जो नवीन शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है इंडिया की जो एजुकेशन है उसको ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना उसके साथ साथ ही भारतीय संस्कृति का चरित्र निर्माण विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का विकास करना रचनात्मकता शोध ये सब नवीन शिक्षा नीति में बढ़ावा दिया गया है और साथ ही साथ नागरिक समाज की नवीन शिक्षा नीति में क्या भूमिका हो सकती है उसको आपने हमारे सामने बहुत ही सरल शब्दों में अपनी पीपीटी के माध्यम से रखा. हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. आप तीनों मुख्य वक्ताओं ने हमारे इस व्याख्यान को हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया. हम हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं. सभी प्रतिभागियों के लिए घोषणा की जाती है कि हमारा तकनीकी सत्र प्रारंभ होने जा रहा है. आप सभी जुड़ जाएं और अपने जिस क्रम जो लिस्ट हमने ग्रुप में प्रेषित की है उसी क्रम में आप अपना पेपर प्रस्तुत करेंगे और हमारे मध्य में हमारे तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर आर पी पाटीदार सर वर्ल्ड बैंक प्रभारी शासकीय महाविद्यालय सराना उपस्थित हो चुके हैं. मैं डॉक्टर भूपेंद्र मंडलोई सर से निवेदन करूंगी कि वह पाटीदार सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें. डॉक्टर आर पी पाटीदार सर का स्वागत करते हुए भूपेंद्र मंडलोई सर डॉक्टर आर पी पाटीदार सर का स्वागत करते हैं. आप हमारे तकनीकी सत्र के अध्यक्ष हैं सर. अब मैं डॉक्टर मोनिका पंडित से निवेदन करूंगी कि हमारे तकनीकी सत्र की अध्यक्ष अनुमा तानमेड़े मैडम का माल्यार्पण कर स्वागत करें. आप रसायन शास्त्र की विभाग अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अनुमा तानमेड़े मैडम. अब पुनः मैं भूपेंद्र मंडल सर से आग्रह करूंगी कि बालकृष्ण चौहान सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें. आप समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर बालकृष्ण चौहान सर. आप भी हमारे तकनीकी सत्र के सह अध्यक्ष हैं और हमारे महाविद्यालय के आप मीडिया प्रभारी हैं सर. हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. सभी प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि वो अपने पेपर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुए. आपके पास 3 मिनट का समय है. आप ये ध्यान रखें कि जो आपका पेपर आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आप अपना शोध सारांश या जो मेन पॉइंट्स है उसको ही प्रस्तुत करें. मैं नाम कॉल कर रही हूँ कमलेश कुमार चावले सर. कमलेश कुमार चावले सर रिद्धि मेहता जिनके नाम कॉल किए जा रहे हैं अगर वो है तो प्लीज अपने माइक कंट्रोल कर लीजिए. बच्चों की जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम. कमलेश कुमार चावले सर आप जुड़ चुके हैं जी. मैम आप सुन पा रही मैम? हाँ, सर अपना पेपर प्रेजेंट करें प्लीज. सबसे पहले मैम मैं शासकीय महाविद्यालय सैलाना का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिया. मैम मेरा जो विषय है पेपर का वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य एवं उसका क्रियान्वयन. इस पे मैम मूल उद्देश्य जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को देखते हैं तो ये स्पष्ट नजर आता है कि पहले का जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसका बेसिक एक मूल विजन था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. उस समय हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताएं जो थी वो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए थी. इसलिए हमने उस समय हमारा लक्ष्य निश्चित किया था शिक्षा प्रदान करना और अपने अभी दूसरा इसके सभी छात्रों को एक वैश्विक नागरिक बनाने की कोशिश इस शिक्षा नीति के द्वारा की जा रही है जिससे उसमें छात्रों में वैश्विक ज्ञान का भी संचारण कर पाए. इसके अलावा जब हम शिक्षा नीति के विजन को देखते हैं तो उसमें एक लाइन और स्पष्ट नजर आती है कि पहले की जो शिक्षा जो थी उसके स्थान पे अब हम विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नीति को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं. जैसे पहले शिक्षक ही ज्ञान का पूरा आधार माना जाता था अब जो है
ऐसा कोई शिक्षक के साथ साथ हमने विद्यालय जैसे ऑनलाइन शिक्षा स्वयं के पोर्टल मूक्स पोर्टल ये प्रयास कर रहे हैं कि छात्र जो है अपनी सुविधा के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार कहीं से भी कभी भी पढ़ाई कर सकता है। इसके साथ साथ ये जो है शिक्षा नीति छात्रों में रचनात्मक क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से भी लाई गई है, इसलिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखिएगा बहुविषयक शिक्षा जोड़ा गया है, योग्यता संवर्धन कोर्स स्टार्टअप स्थान दिया गया है, इसके साथ साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में जैसा कि हम जान रहे हैं कि सबसे पहली जो शिक्षा पद्धति आई थी वो 1986 में राजीव गांधी ने तब लाया था, और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके अंडर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है विच वॉज एडॉप्टेड बाय द इंडियन यूनियन कैबिनेट ऑन July 29, 2020। द ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 हैज बीन रिप्लेस्ड विद अ न्यू पॉलिसी। In both rural and urban India, the policy provides a complete framework for education from early childhood through higher education. It also covers vocational training. Why the need for change in the previous education policy? इससे पहले जो हमारी education policy थी उसमें क्यों हम बदलाव करने का ऐसा जरूरत पड़ गया हमें? The need for change in the education policy of 1986 is challenges. Methodology, I think I have collected only secondary data, which is related to in government journals, magazines, and other public education policies. Are there 8 stages of our new education policy? First one is foundation stage, preparatory stage. Third one is middle school education stage. Fourth is secondary education stage. Fifth is undergraduation stage. Sixth is post-graduation stage. Seventh is research stage. And eighth is lifelong learning stage. Foundation stage, it consists of five year. The stage is continuously developed for the cognitive and emotional stimulation of youngsters using time-tested Indian traditions and customs. Preparatory stage, it is a 3-year period building on play, discovery, and activity-based learning. Middle school stage, it also consists of 3 years, and it consists of 4 years. This stage will be based on subjective-oriented instructional methods, increased breadth, flexibility, critical thinking, and life goals. Undergraduation stage, it varies from 3 to 4 years, and it focuses on alternatives such as a certificate. Other. Continue, करिए, आवाज़ आ रही है. एक मिनट. क्योंकि बच्चे सिर्फ साइंस पढ़कर ऐसा नहीं है कि अपना समग्र विकास करें, जब तक कि वो पूरी तरह से कला वाणिज्य सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका समग्र विकास संभव नहीं होगा, और यही सारे अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हम एक मजबूत ज्ञान के आधारशिला को भी क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें ये रहेगा कि विद्यार्थियों को केवल एक ही विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश लेना है तो उसे बार बार अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, जिससे उसका अलग अलग परीक्षाओं का दबाव वो महसूस नहीं करेगा और ना ही उसको तनाव होगा अगर एकल परीक्षा अगर हम लागू कर पाए तो। इससे ये भी होगा आगे चलकर विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त होंगे जिसे हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। ये भी है कि हमने एक और उच्च शिक्षा में ये भी एक बदलाव देखने में आ रहा है कि हम बच्चों के स्कोर को जो बच्चे ने अपनी परीक्षा में अर्जित किए हैं उसको हम संरक्षित रखेंगे, बच्चा जब चाहे तब उसको अवेल कर सकता है अगर वो बीच में पढ़ाई छोड़ देता है। इसके अलावा ये भी चीजें देखने में आ रही हैं कि हम ये व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम कौशलों को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आधी जनसंख्या बेरोजगार रहती है, तो इसीलिए कक्षा छठी से व्यवसायिक कौशलों को बढ़ाने के लिए ये शिक्षा नीति बात करती। इसके अलावा ये शिक्षा नीति ये भी बात करती है कि हम विद्यार्थियों को अपनी खुद की भाषा में अगर सिखाते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी अधिक अधिगम कर पाता है। ये पूरी तरह से मैं सोचती हूँ कि जो ये शिक्षा नीति बनाई गई है ये छात्र केंद्रित शिक्षा नीति है पूरी तरह से। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। रवि कुमार सर,
रवि कुमार सर हमारे मध्य में हैं। जी मैम। सर आप अपना पेपर प्रेजेंट करें। थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा पर्पस ऑफ एनईपी 2020 और दूसरा है उसका चैलेंजेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। एनईपी 2020 को जब इम्प्लीमेंट करने लगे हम लोग तो उसमें दो तीन चीज का प्रॉब्लम आ सकता है। उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसे मैंने चिन्हित किया है और उसे अपने पेपर के माध्यम से बताने का कोशिश किया आप लोगों के सामने। तो पहला उसमें मैंने नोट किया है कि करिकुलम एंड पेडागोजी को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक रोट लर्निंग के मेथड से हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ओर जब बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी हमें असुविधा का फेस करना पड़ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन में वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया है रिसर्च एंड इनोवेशन का। रिसर्च एंड इनोवेशन में मैंने ये बताया है कि अभी तक हम लोग सिर्फ टीचर आते थे और बच्चे पढ़ते थे, टीचर वाचन करते थे। क्यों सर, उसने तो बोला कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। कहाँ हो रही है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग? कहाँ हो रही है? यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। और वो सोच रहा है कि यूट्यूब पे यहाँ से बढ़िया हो रहा होगा। कॉल बिकॉज ऑफ एन एरर, मालूम नहीं। तो इसको ऐसी जगह रख यूट्यूब पे। तो कुछ नहीं होता, एक बार डल गया और लाइव कर दिया तो डला ही रहेगा। तो पुश कर, हां पुश कर।